हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आपको पता होगा नोटिफिकेशन आ ही चुकी है, वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, चीजें अच्छी चल रही हैं। थोड़ा सा कटअप पे बात कर लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी एक थी कि एक टारगेट स्कोर कितना रखा जाए। और मेंटरशिप जो मैं चला रहा हूँ उसमें भी बच्चों का बहुत सारा एक इशू रहता है कि जब वो मॉक देते हैं ना तो उनका कितना स्कोर रहे। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग का 150 भी आता है तो वो दुखी होते हैं कि अरे नहीं, मेरा 170 आना चाहिए, कुछ लोग 190 पे हैं। तो वो कैसे ग्रो करें, उनको कैसे कट ऑफ क्लियर कराया जा सके, उस चीज पे आज पूरा वीडियो देखिएगा, बात करेंगे। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं मेंटरशिप का भी बैच चल रहा है, जीके की फ्री क्विज चल रही है। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स मैं दे दूंगा, वहां पे जीके का है क्विज और इंग्लिश का क्विज है, प्लस आपको मेंटरशिप फ्री में मिलता है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वहां से जुड़ लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ये भी लिंक है मेन चैनल पे, ये आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा आज रात में। तो जो लोग टाइम होगा वहां से डायरेक्टली लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 1-to-1 मेंटरशिप की बात भी की गई है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट लूसेंट जी के इंग्लिश की क्विज स्पेशल यूपी एग्जाम वालों के लिए भी है, और फ्री नोट्स के लिए भी आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कटअप पे। लास्ट ईयर में क्या हुआ था, एक फैक्टर हुआ था कि 8.2 टाइम्स के अराउंड बच्चे लिए गए थे, मतलब 84,000 वैकेंसी थी और 71,000 बच्चे लिए गए थे। अगर डिवाइड करेंगे आप तो 8.2 और 8.3 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये लगभग लगभग टाइम्स बच्चे लिए गए थे, और कट ऑफ कितनी गई थी जनरल की, तो उस साल 150 नंबर यूआर की गई थी, ईडब्ल्यूएस 143, ओबीसी 146 मान लीजिए, और एसटी 118 और एससी 126। अब देखिए कारण क्या था, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कट ऑफ गई थी। देखिए मैं एक कारण बता रहा हूँ, उसमें हुआ क्या था ना कि आप नोटिस करेंगे जो लोग 2022 का मेंस का देखेंगे तो लगभग लगभग मैक्सिमम 80,000 से ज्यादा बच्चे वो नहीं ले रहे थे, 73,000 72,000 बच्चे एक शिफ्ट में एग्जाम कराए थे वो ऑन एन एवरेज, और 3,60,000 बच्चों का एग्जाम 4 शिफ्ट में कंप्लीट किया था, ठीक है। ठीक है, आप नोटिस करेंगे तो 3,60,000 बच्चों का एग्जाम, मतलब 80 के अराउंड में ही बच्चे थे। तो अब उनको क्या था ना कि इस साल एक उनके पास जो सेंटर का अवेलेबिलिटी था, उनके दिमाग में था कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी इशू आती हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए उनका टारगेट था कि वो जो 10 टाइम्स लेते हैं उसको कम करके उन्होंने कर दिया 8.2 टाइम्स, और 8 गुना टाइम करके 70,000 के अराउंड बच्चे लिए, जिससे कि वो एक शिफ्ट में एग्जाम करा सके। बट इस साल वो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, और ये तो कट ऑफ रही उस साल की, लास्ट ईयर की। लेकिन 2022 में आप देखेंगे सडन आपको देखेगा कितना ज्यादा गिरावट है, 114 नंबर है जनरल और ओबीसी का सेम है, क्योंकि 98,000 बच्चे ओबीसी के भी आ गए थे उसी कैटेगरी में। उसका एक रीजन था कि ओबीसी में आपको एक रिजर्वेशन जो मिलता है उसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो जो लोग 30 के अराउंड या 30+ या एज रिलैक्सेशन के लिए यस किए होंगे वो भी बच्चे ओवरऑल क्वालिफाई हो गए होंगे। इस वजह से ये संख्या लगभग लगभग कटअप बराबर कर दिया गया, ज्यादा ना हो इसकी वजह से कोशिश की गई बराबर कर दी गई। तो ये फैक्टर था। पिछले बार कुछ लोगों ने भी बात किया था कि नहीं आरक्षण खत्म हो रहा, आरक्षण भाई नहीं खत्म हो रहा है, 1 लाख बच्चे आप देख सकते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए हैं। प्लस 1 लाख बच्चों में भी आप ये देखेंगे कि 1 लाख बच्चे इसलिए जनरल के बराबर हो पाए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजर्वेशन के लिए यस किए होंगे, रिजर्वेशन के लिए यस मतलब कि एज रिलैक्सेशन के लिए यस किए होंगे। और जब एज रिलैक्सेशन आप लेते हैं तो आप अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी एज ज्यादा हो जाती है तो आप उसी कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं, तो ये एक रीजन था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 102 था, एसटी का 77 था, और 90 के अराउंड एससी का था। अब कुछ बात करते हैं इस साल क्यों इतनी थी, क्योंकि 36,000 वैकेंसी थी, 36,000 वैकेंसी थी और 3,60,000 लिए गए थे बच्चे, मतलब 10 गुना बच्चे लिए गए थे। अब चलिए बात कर लेते हैं इस साल क्या होगा। इस साल तकरीबन 18,000 वैकेंसी है और मान के चलिए 20,000 के अराउंड ये पहुंचेगी, ठीक है, 20,000 के अराउंड पहुंचेगी, के पे हटा दीजिए इसमें, 20,000 के अराउंड पहुंचेगी। अब इतनी वैकेंसी पे आपको क्या लगता है कि कितना गुना लेना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे अगर वो 10 गुना ले रहे हैं तो 1,80,000 होंगे, और मैं बता रहा हूँ कि इस समय 17,727 वैकेंसी के हिसाब से मांग चलिए, क्योंकि वो प्री का जो रिजल्ट निकालेंगे वो इसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे और मेंस तक वैकेंसी इंक्रीज होती है। तो मान लेते हैं अगर 10 गुना भी करते हैं तो लगभग लगभग 1,01.8 लाख बच्चे होंगे, ठीक है। अब चलिए और बात कर लेते हैं कुछ होंगे लेकिन, अब अगर इतने बच्चे करते हैं तो उनको तकरीबन 3 शिफ्ट में करना होगा, 3 शिफ्ट में करना होगा, ठीक है, 3 शिफ्ट में। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे एसएससी में लगभग लगभग एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की कैपेसिटी है 80,000 की मैक्सिमम, तो अब 80,000 बच्चों को एक शिफ्ट में कराएंगे तो उनको 3 शिफ्ट में अराउंड करना पड़ेगा क्योंकि 1,60,000 से ज्यादा हो जाएगा। इस बार भी उम्मीद है कि 1.5 लाख बच्चे ही सेलेक्ट होंगे प्री में, 1.5। अब देखिए 1.5 होंगे सिलेक्शन तो क्या होगा प्री में, क्या हो सकती है टारगेट, टारगेट होना क्या चाहिए। तो देखिए यूआर में अगर रॉयल स्कोर की, देखिए रॉयल स्कोर की मैं बात करूंगा,
कि वैसे वैसे तो तो मैं मैं कहूंगा कहूंगा टारगेट टारगेट आपके आपके लिए लिए 130 130 से से 140 140 के के बीच बीच में, में। बट बट जो जो कट कट ऑफ ऑफ रहेगी, रहेगी, ये ये देखिए देखिए ये ये मैं मैं नीचे नीचे कट कट ऑफ ऑफ बता बता रहा रहा हूँ, हूँ, जो जो कट कट ऑफ ऑफ रहेगी रहेगी रॉयल्स रॉयल्स को को जिसका जिसका 120 120 से से 125 125 के के बीच बीच में में रहेगा, रहेगा, उसका उसका खोल खोल जाएगा, जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये ये नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज होके होके 130 130 के के अराउंड अराउंड जाएगा, जाएगा, तो तो ये ये ओवरऑल ओवरऑल मैक्सिमम मैक्सिमम तक तक 100% 100% सेफ सेफ रहेगा। रहेगा। ठीक ठीक है, है, अगर अगर बात बात करूँ करूँ ओबीसी ओबीसी की, की, तो तो ओबीसी ओबीसी के के लिए लिए भी भी 130 130 से से 140 140 टारगेट टारगेट करिए, करिए, और और कट कट ऑफ ऑफ रहेगा रहेगा आपका आपका 120 120 से से 122 122 के के अराउंड, अराउंड, रॉयल्स रॉयल्स को को अगर अगर है है तो तो सेफ सेफ रहेंगे रहेंगे आप। आप। अगर अगर बात बात करें करें वहीं वहीं पे पे ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस की, की, तो तो ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के के बच्चों बच्चों के के लिए लिए तकरीबन तकरीबन आपके आपके लिए लिए 115 115 नंबर नंबर रॉयल्स रॉयल्स को को सेफ सेफ रहेगा। रहेगा। ठीक ठीक है है रॉयल्स रॉयल्स को। को। और और यहाँ यहाँ पे पे अगर अगर मैं मैं बात बात करूँ करूँ एससी एससी और और एसटी एसटी की, की, तो तो एससी एससी के के लिए लिए तकरीबन तकरीबन आप आप मान मान के के चलिए चलिए कि कि 95 95 से से 100 100 के के मार्क्स मार्क्स सेफ सेफ रहेगा, रहेगा, और और एसटी एसटी के के लिए लिए 85 85 से से 90 90 मार्क्स मार्क्स सेफ सेफ रहेगा। रहेगा। और और कैटेगरी कैटेगरी वाइज वाइज ये ये रॉयल्स रॉयल्स स्कूल स्कूल की की बात बात की की गई गई है। है। अगर अगर लेकिन लेकिन मैं मैं सभी सभी को को एक एक निर्देश निर्देश दूंगा दूंगा कि कि इसको इसको स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट आप आप ले ले लीजिएगा, लीजिएगा, कि कि आप आप लोग लोग जितने जितने भी भी बच्चे बच्चे हैं हैं ये ये टारगेट टारगेट 150 150 का का अपना अपना करें, करें, क्योंकि क्योंकि ये ये जब जब आप आप टारगेट टारगेट बनाएंगे बनाएंगे ना, ना, तब तब जाके जाके सिलेक्शन सिलेक्शन होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, तब तब जाके जाके सिलेक्शन सिलेक्शन होता होता है, है, आपको आपको इतना इतना टारगेट टारगेट बना बना के के चलना चलना होगा। होगा। तो तो यही यही एक एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना सूचना थी, थी, एक एक पीआईटी पीआईटी का का एनालिसिस एनालिसिस था, था, क्योंकि क्योंकि बहुत बहुत लोगों लोगों की की क्वेरी क्वेरी आ आ गई गई थी। थी। और और जो जो नहीं नहीं हुए हुए वो वो मेंटरशिप मेंटरशिप से से भी भी जुड़ जुड़ जाइए, जाइए, फ्री फ्री क्विज क्विज करिए करिए जीके जीके का, का, और और मैं मैं पूरा पूरा टारगेट टारगेट क्रैश क्रैश कोर्स कोर्स का का शुरू शुरू करूंगा करूंगा आपके आपके लिए, लिए, और और पूरी पूरी कोर्स कोर्स मैं मैं कंप्लीट कंप्लीट जीके जीके की की यहीं यहीं पे पे आपको आपको यूट्यूब यूट्यूब पे पे फ्री फ्री में में करा करा दूंगा। दूंगा। ठीक ठीक है, है, तो तो जो जो लोग लोग चैनल चैनल से से नहीं नहीं जुड़े जुड़े हैं, हैं, चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लीजिए, लीजिए, एक एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है है बस। बस। चलिए चलिए मिलते मिलते हैं हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। धन्यवाद। धन